अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अलीं व सय्यदतना फातिमा وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलहु। कुरान व हदीस की रोशनी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। उनका शुमार अरब के पैगम्बरों में होता है। वो अल्लाह ताला के नेक और बड़े साबिर व शाकिर बनते थे। उन्होंने सब्र व शुक्र की ऐसी मिसाल पेश की कि खुद अल्लाह ताला ने उनके सब्र व तकवा की शहादत दी। वो एक कामयाब ताजिर और मामलात में हद दर्जा अमानतदार होने के साथ तकवा व परहेजगारी में भी बेमिसाल थे। वो गरीबों का खाना खिलाते, वो बेवाओं मिस्कीनों और तंग दस्तों की खूब मदद किया करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत माल व दौलत और औलाद से नवाजा था, फिर सख्त आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला किया और अता करदा माल व दौलत सब कुछ वापस ले लिया और ख़ुद वो 18 साल तक बीमारी में मुब्तला रहे, मगर इस कड़ी आजमाइश में भी कभी भी अपनी ज़बान से शिकवा व शिकायत नहीं किया और हमेशा सब्र व शुक्र ही करते रहे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और सब्र के बदले में उन्हें पहले से ज़्यादा माल व दौलत और औलाद से नवाजा और बीमारी से नजात देकर सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने परिंदों को पर अता फरमाए जिनसे वो उड़ते हैं, कभी परों को फिजा में फैला रहते हैं कभी समेट लेते हैं, दोनों हालतों में वो फिजा में मौजूद रहते हैं और वजनी होने के बावजूद ज़मीन पर नहीं गिरते, न उन्हें फिजा में कौन रोके रखता है। अल्लाह ताला ने उन परिंदों को अपनी कुदरत से फिजा में उड़ने की सलाहियत से नवाजा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या वो लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदे को नहीं देखते कि पर फैलाए हुए उड़ते फिरते हैं और कभी इस हाल में समेट लेते हैं, कभी इस हाल में पर समेट लेते हैं और दोनों हालतों में वजनी होने के बावजूद ज़मीन व आसमान के दरमियानी फिजाओं में फिरते रहते हैं। उन्हें खुदाए रहमान ही फिजा में थामे हुए हैं, बेशक हर चीज़ उसकी निगाह में है। कुरान पाक सूरह मुल्क आयत नंबर 19। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जुम्मा के दिन जब जुम्मा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद व फरोख छोड़ दो,
ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। कुरान पाक सूरह जुम्मा आयत नंबर 9। जुम्मा की अजान सुनने के बाद फौरन जुम्मा के लिए निकलने की तैयारी करना और सारे दुनियाई काम का छोड़ना ज़रूरी है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं, जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत करते तो पहले दोनों हाथों को धोते फिर नमाज की तरह वजू फरमाते। किताब बुखारी शरीफ हदीस नंबर 248। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें हैं जिनका सवाब बंदे के मरने के बाद भी जारी रहता है जबकि वो कब्र में पड़ा हुआ होता है। जिसने इल्म दीन सिखलाया, कोई नहर खोदी या कोई कुआं खुदवाया या कोई दरख्त लगवाया या कोई मस्जिद बनाई या कोई कुरान छोड़ गया या कोई औलाद छोड़ी जो उसके लिए मरने के बाद मगफिरत की दुआ करे। किताब हुलियतुल औलिया सफ़ा नंबर 366 रिवायत हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला और जिल्द नंबर 1। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अजनबिया औरत की तरफ नज़र उठाकर देखा तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी आँखों में आग भर देगा और जहन्नम में दाखिल करेगा, और जिसने अपनी निगाह को नीचा कर दिया तो अल्लाह ताला उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालेगा और कयामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल करेगा। किताब अल मतालिबुल औलिया हदीस नंबर 1635 रिवायत हजरत अबी हुरेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक तुम्हारे अंदर माल की इतनी कसरत न हो जाए कि वो बहने लगे, यहाँ तक कि माल वाले आदमी को इस बात पर रंज व गम होगा कि उससे कौन सदका कबूल करेगा। वो एक आदमी को सदके के लिए बुलाएगा तो वो कहेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उफ, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। किताब मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2340 रिवायत हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो घर हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें परहेजगार लोग दाखिल होंगे, उन बागों के नीचे दूध शहद और पाकीज़ा शराब की नहरें बह रही होगी, जिस चीज़ को उनका जी चाहेगा वो उनको वहाँ से मिलेगी। अल्लाह ताला परहेजगारों को ऐसा ही बदला दिया करता है। कुरान पाक सूरह नहल आयत नंबर 31 हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हालत अहराम में था जिसकी आँखों में तकलीफ थी तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों पर एलोवेरा का लेप लगाने को कहा। एलोवेरा हिंदी दिमाग और आँखों एलोवेरा दिमाग और आँखों के बीमारियों को अच्छा करता है। किताब सुनन दारमी हदीस नंबर 1982 कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों,
तुम्हारे अम्वाल और औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, और जो शख्स ऐसा करेगा तो वही नुकसान में पड़ने वाला है। कुरान पाक सूरह मुनाफिकुन आयत नंबर 9। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد في كل وقت وحيا